नमस्कार दोस्तों, मैं स्मिता और आपका अपने चैनल जायका गजब का में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ठंड के मौसम में तो मार्केट में तरह तरह के साग मिलते हैं, उसमें से एक है मेथी का साग। जनरल हमारे घर में मेथी की सब्जी, मेथी के पराठे बनते ही रहते हैं, जो सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आज मैं आपके साथ मेथी के साग को थोड़ा अलग तरीके से बनाऊंगी, आंध्रा स्टाइल में। तो दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि हम किसी और स्टेट के स्टाइल में हम खाना बना रहे हैं तो उसके मसाले अलग होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम उसमें जो भी मसाला यूज करेंगे वो सब हमारे किचन में मौजूद होता है, बस खाली तरीका थोड़ा सा अलग होता है कि हम उसे अलग तरीके से डालते हैं और आंध्रा में उसे अलग तरीके से डाला जाता है। तो चलिए, आज हम आंध्रा के स्टाइल में मेथी का साग बनाते हैं। क्या मैंने मेथी लिया, मैं एक गड्डी मेथी की लेके आई थी, उसको इस तरह से मैंने तोड़ लिया है। ये देखिए, इस तरह से डंठी सहित थोड़ा सा मैंने इसको तोड़ लिया है। एक मैंने मीडियम साइज का प्याज लिया, जिसको बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, चार मैंने यहाँ पे लहसुन लिया है जो कि छिलके सहित है, आधा चम्मच जीरा पाउडर, दो मैंने लाल मिर्च ली है, करी पत्ता, धनिया की पत्ती, यहाँ मैंने तड़के के लिए चना दाल, चौथाई चम्मच उड़द दाल, चौथाई चम्मच जीरा, चौथाई चम्मच और थोड़ा सा राई लिया है। यहाँ मैंने तीन मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं और जिसको इस तरह से टुकड़ों में कट कर लिया है। यहाँ मैंने आधा चम्मच खड़ी धनिया ली है और तीन लाल मिर्च लिया है। हमें कढ़ाई लेंगे और उसमें हमें इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। ये देखिए, इसको मैंने भून लिया है। मेरी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लगा हुआ था इसलिए आपको लग रहा होगा, आप इसको ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। चलिए, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें प्याज डाल देंगे, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लहसुन और जो ये मैंने जो धनिया और मिर्ची को रोस्ट किया है उसको हम इसमें डाल देंगे। और इसको हमें सूखा ही पीसना है, इसमें हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। और इसका एक हमें दरदरा पेस्ट बना करके तैयार करना है। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें करीब मैंने दो चम्मच तेल डाला है। अब हम इसमें चना दाल, उड़द दाल, जीरा और सरसों का तड़का लगा देंगे, साथ ही जो मैंने लाल मिर्च ली थी उसको भी डाल देंगे। ये देखिए, जब ये चटकने लगेगा तब हम इसमें करी पत्ता डालेंगे। अब हम इसमें करी पत्ता डाल देंगे और जो हमने मेथी ली है उसको इसमें डाल देंगे। गैस का फ्लेम हम लो पे रख देंगे। ये देखिए, अभी आपको लग रही थी कि कितनी ज़्यादा मेथी है, लेकिन देखिए मेथी की क्वांटिटी कितनी कम हो गई है। लेकिन हमें मेथी बहुत ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि मेथी में कड़वापन होता है। और दोस्तों, ये जो हम सब्जी या चटनी आप बोल सकते हैं इसको बना रहे हैं, ये दो से तीन लोगों के लिए सफिशियंट होगी। और अगर बहुत टेस्टी मिल गई बन गई तो हो सकता है दो लोगों को ही में ही ये पूरी हो जाए। चलिए, ये देखिए, इसको करीब मैंने एक मिनट तक के लिए भून लिया है। अब जो हमने ये मसाला पीसा था, देखिए मैंने दरदरा ही पीसा है, इसको हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मैंने चौथाई चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च लिया है कि जिससे कि सब्जी का कलर बहुत अच्छा आए। जनरली वहाँ पे जो मिर्ची होती है वो काफ़ी लाल होती है और मेरे पास जो मिर्ची थी वो उतनी लाल नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पे चौथाई चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का प्रयोग किया है। ये देखिए, अब मसाले को साग के साथ हम अच्छी तरह से मिला देंगे। वैसे आंध्रा का खाना काफ़ी स्पाइसी होता है, वहाँ के लोग बहुत मिर्ची खा लेते हैं, उतनी मिर्ची हम लोग नहीं खा पाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे मिर्ची की मात्रा थोड़ी कम रखी है। और उसका सबसे अच्छा ऑप्शन मेरे पास है कि हम इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल दें जिससे कि उसका कलर बहुत अच्छा आए। ये देखिए, करीब इसको हमें एक मिनट तक के लिए ही भूनना है। और अब जो हमने टमाटर लिए थे कट किए हुए, उसको हम इसमें डाल देंगे। टमाटर की मात्रा थोड़ी हमें ज़्यादा ही रखना है क्योंकि मेथी में थोड़ा सा कड़वापन होता है और खट्टे से वो बैलेंस में आ जाएगा। अब हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे
नमक डाल के फिर हम इसको ढक करके और गैस का फ्लेम लो पे करके हमें 1.5 से 2 मिनट तक इसको पकाना है। चलिए 1 मिनट करीब हो गया है, अब हम इसको चलाते हैं। इसको बीच बीच में हमको चला देना है और इस तरह से टमाटर को गलने तक हमें पकाना है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मेथी की, मेरे हस्बैंड तो बोल रहे हैं कि बिल्कुल मुझे गुंटूर की याद आ गई कि लग रहा है जैसे कि साउथ इंडियन खाना बन रहा है। चलिए देखिए, इसको मैंने करीब 4 मिनट तक पकाया है, गैस का फ्लेम लो पे रखे और बीच बीच में मैं इसको चलाती रही हूँ। ये देखिए सब्जी बनके तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया की पत्ती डाल देंगे और उसको भी हम अच्छी तरह से मिला देंगे। किचन में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मेथी है, प्याज है, लहसुन है, करी पत्ता है और वाकई ये बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। इसको हम लोगों ने पहले एक बार ट्राई कर चुके हैं और ये मुझे और मेरे बेटे को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई है, तो एक बार आप इसको ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिए। इसको भी आप पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं, दाल चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। तो एक बार आप इस तरीके से आंध्रा स्टाइल में मेथी को ज़रूर बना करके ट्राई कीजिए। तो देखिए दोस्तों, आंध्रा की एक रेसिपी बनके तैयार है। मैं आपके साथ इसी तरह से अलग अलग जगह की रेसिपी लेके आती रहूँगी। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।